क्यों मैं मारिया? मैंने आप में अपनी हाजतें पाई हैं, जिनका नाम है अली। अली? जी मेरा आका अली। कौन सा अली? जिन्हें हैदर कहते हैं और बूतुराप। तुम अली को कैसे जानती हो? अली ने मुझे बाप से बेहतर प्यार दिया। अच्छा, तुम मुतमईन हो मारिया? जी मेरे सरकार, इसमें कोई शक नहीं। तुम एक ईसाई हो मारिया? तुम्हारे मौला ईसा है, ना के अली। ये अकीदा तुम्हारे जुर्म को संगीन बना देगा। देर में ईसाइयत की तालीमात से आशना हुई। अली ने मुझे ईसा की मारिफत दिलाई। अली ही थे जिन्होंने ईसा को पहचानवाया। ये तुम क्या कहती हो? मैं तो चकरा गया बिल्कुल, मेरा तो सर चकरा रहा है। बताओ मारिया, मैं ये जानने का मुश्ताक हूं कि तुम अली को कैसे पहचानती हो। अली मेरे बचपन की यादों में बसे हैं, वो यादें जिसमें एक यतीम नसरानी बच्ची अली के दीदार की उम्मीद में इंतजार की घड़ियां गिन रही थी। 5 या 6 साल की थी वो। अय्याम थे कि ना एक लुकमा खाने को रोटी थी, ना पहनने को कोई कपड़ा। मेरी माँ काफिर हो गई थी। फ़क्र मुफलिसी के दियों ने मेरी 3 साला बहन को निगल लिया। भूखी थी, अगर मुझे भी खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगी। उस वक्त तुम क्या करोगी माँ? ठहर जाओ, मुझे नहीं चाहिए खाना माँ। भूखी है ना, ले खा, मेरा गोश्त खा, ले। मैं नहीं खाऊंगी, खाने की चीज नहीं है। तो फिर बैठ जा, तेरी बाप की खबर पे जाके तेरे लिए रोटी का टुकड़ा लाती हूँ, तू यही बैठ जा। मैं भी साथ ले जा, मैं भी आऊंगी। क्यों बेटी, वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बुरे लोग रहते हैं। नहीं जा, वो लोग आपको मार डालेंगे। अच्छा, मुझे खाना नहीं चाहिए माँ। मैं तेरा खाना कहाँ से लाऊं मेरी बेटी? ईसा ने आज के खाने का वादा किया है। ईसा? वो मर गए बेटी। नहीं, वो नहीं मरे, वो आसमान पर है। आपने खुद उनकी कहानी सुनाए बेटी, वो हमें छोड़ गए। अगर ईसा कुफे में होते, हम इतना मजबूर नहीं होते। नहीं जाओ। उस दिन शैतान मेरी माँ के ईमान और रूह पर हमला आवर हुआ था, और करीब था कि मेरी माँ अपने ईमान को चबा कर बर्बाद कर दे। मेरे आंसुओं ने उसे नजात का सहारा दिया। रात बगैर खाए भूख के आलम में बसर की। उस रात जो माँ ने किस्सा सुनाया, वो ईसा मसीह के नान और मछली का मौजजा था। नाराज हूँ, क़यामत तक।
या ईसा मसीह। चूंकि मैं उनसे नाराज थी, इसलिए पहली रात उन्होंने खुद को न पहचानवाया। दूसरी रात जब समझौता और सुलह कर चुकी और मुझे मना चुके, तब उन्होंने अपना चेहरा मुबारक दिखाया। उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं और इल्तिजा कर रहे थे कि मारिया, एलिया को आने में कुछ देर हो गई, माफ़ करना। उन्होंने मेरा बोसा लिया और अपने कंधों पर बिठाया और रोटियां पकवाने में मेरी माँ की मदद की और अपना नाम एलिया बताया। मेरे मेहरबान बाबा एलिया हर शब मुझसे मिलने आया करते थे। मैं बाप के बिछड़ने के गम को भुला चुकी थी। वो मुझे बहलाकर शफ़क़त और मेहरबानी से वाक़यात और कहानियाँ सुनाते। उसके बाद से हर रात मैं चश्मे इंतज़ार लिए चौकट पर पलकें बिछाए कदम जमाए मुंतज़िर खड़ी रहती कि यतीमों के बाप एलिया आ रहे होंगे और अभी खेल कूद और वाक़यात और कहानियों से मुझे बहलाएंगे। आओ मेरी बेटी, बाहर आ जाओ। बाबा एलिया आज रात नहीं आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा खिलाफी क्यों की? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। बेटी, उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की। बाबा एलिया दो रातों से मेरे पास नहीं आए और मैं उनके कान पकड़ूंगी। मामा, वो आज रात क्यों नहीं आएंगे? बेटी, वो मरीज हो गए, अब नहीं आएंगे। हाय, मेरे दिल उनके लिए तड़प रहा है। माँ, उनको क्या हो गया है? बेटी, उनके सर को फाड़ दिया है। सर खून खून हो गया? पट्टी बांधेंगे तो ठीक हो जाएगा। बेटी, उनके लिए दवा ले जाओ। क्या ले जाओ? ले जाओ मेरी बेटी। बेटी, दुआ करो बाबा एलिया बच जाए। खुदावंद तेरे बेगुनाह दिल से ज्यादा नजदीक है बेटी। खुदावंद बाबा एलिया को हर दर्द और तकलीफ से महफूज रख। खुदावंद बाबा एलिया को हर दर्द और तकलीफ से महफूज रख।